एनआरसी व कैब कानून के विरुद्ध पूरे देश में धरना आंदोलन किया जा रहा है। तो वहीं हम आपको बता दें कि थाने के भिवंडी शहर में भी सभी राजकीय पक्ष व सामाजिक संस्था तथा समाज सेवकों व स्थानिकों द्वारा एनआरसी व कैब कानून को लेकर धरना आंदोलन करते हुए मोदी सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और मोदी सरकार से एनआरसी व कैब कानून को वापस लेने की मांग की। आज के इस धरना प्रदर्शन में लाखों के संख्या में महिला व पुरुष ने सड़कों पर उतरकर अपना रोष व्यक्त किया।
का जो मुद्दा गवर्नमेंट ने, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने जो लाई है, ये सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है, ये जुल्म कर रही है और एक मजहब के साथ जुल्म कर रही है। तो बहुत अच्छा है कि हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं, लेकिन ये जो कानून लाई है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लाई है। और आज जो पब्लिक उतरी है इसमें कोई नेता कोई लीडर नहीं है, ये इनके दिल की आवाज़ है, ये खुद से मैदान में चल के आए, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई लेटरबाजी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, ये सारी पब्लिक जो भिवंडी के आज रोड पे उतरी है इनके दिल की आवाज़ है। सलाम करते हैं भिवंडी के पब्लिक को, इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। लाखों की तादाद में है सब भिवंडी के, हर रास्ते ब्लॉक है, कहीं से रास्ता नहीं है, और अन्न शांति के साथ ये जुलूस निकाले हैं, कोई लीडर नहीं, किसी के डायरेक्शन नहीं, ये भिवंडी की इकाई है। फिर आपको एक बार बोलता हूँ कि सलाम करते हैं भिवंडी के पब्लिक को, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और हुकूमत से हमारी अपील है कि अपने बिल को वापस लिया जाए, न तो भिवंडी नहीं सारे हिंदुस्तान के अंदर इसी तरीके से पब्लिक निकलेगी रोड के ऊपर और बहुत तहलका मचाएगी और बिल आपको वापस लेना पड़ेगा, न तो बीजेपी गवर्नमेंट अपनी खैरियत मान लेगी।